स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए हिंदी व्याकरण लेके आ रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण का सुपर फास्ट रिवीजन होगा। हिंदी के लिए ये हमारी पहली वीडियो होगी और इसमें हम संधि के बारे में बात करेंगे। संधि के लिए ये पार्ट वन होगा। इसका मतलब कि संधि के लिए पार्ट टू का वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो शुरू करते हैं संधि। उससे पहले आपको बता दें कि संधि के क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं और इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। संधि में क्या होता है कि यहाँ पे दो वर्डों का मेल होता है, दो वर्ड मिलके तीसरा वर्ड बनाते हैं। इसी तरह होता है समास, तो समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो संधि और समास में मेन अंतर यही है कि संधि में वर्डों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। परिभाषा के रूप में आप देखना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब बात करें प्रकार की तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। इसमें से पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इन दोनों से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं जितना कि स्वर संधि से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि विसर्ग और व्यंजन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे भी आएंगे, लेकिन स्वर संधि की अपेक्षा कम आते हैं। तो आज की यह वीडियो केवल स्वर संधि के लिए होगी। इसका जब पार्ट टू आएगा तो उसमें आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी दी गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि सबसे पहले एक स्वर आता है और उसके बाद स्वर या फिर व्यंजन कोई भी आ सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इसे कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर को आप जानते ही होंगे, स्वर का मतलब होता है अ आ और व्यंजन का मतलब होता है क ख, तो बस यही है। तो स्वर संधि में पहले स्वर आना जरूरी है और उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, तो इस तरह की संधि को स्वर संधि कहा जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है विद्याधन आलय, विद्यालय। अब विद्याधन आलय में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे विद्या धन आलय, तो यहाँ पे जो द यह है इसमें भी आ की मंत्रा है और यहाँ पर भी आ की मंत्रा है, दोनों मिला के आ हो गया है। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो स्वर के बाद स्वर आया है तो ये स्वर संधि ही होगी। अब बात करें कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। इसमें से पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा होता है यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो चलिए आपको इन पांचों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि आप कह सकते हैं पूरा, क्योंकि यह स्वर संधि का एक भाग है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि कोई भी समान वर्ण आता है, मतलब कि यहाँ पे अ आ गया या फिर आ गया और इसके बाद अ आ जाए या फिर आ जाए, तो हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब कि आ। आपने ह्रस्व और दीर्घ जरूर पढ़ा होगा। ह्रस्व का मतलब कि अ, ई, ये सब ह्रस्व में आते हैं और दीर्घ का मतलब कि जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये सब हो जाएंगे दीर्घ। तो जो भी इसमें आता है सबका दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हमेशा बड़ाऊ ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाएं तरफ नीचे कि जब अ या आ, ई, बड़ी, छोटाऊ, ऊ, री, री के बाद समान स्वर आए तो सबका दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अ के बाद अगर अ आए या फिर आ आए तो क्या होगा, आ होगा। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण हम आपको करा दें और कुछ ऐसे उदाहरण बताएंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उदाहरण दिखा रहे हैं अ और अ के बाद अ आने का और ये हो जाएगा आ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला उदाहरण है अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दाएं तरफ ऊपर आपको एक सेटिंग का बटन होगा या फिर आप थ्री डॉट को दबाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है। वहाँ पे जाके आप हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करिए, जो वहाँ पे हाई क्वालिटी दिख रहा है तो आपको ये वीडियो क्लियर दिखने लगेगी। आपके नेट पे निर्भर करता है और क्वालिटी का चयन आपके नेट से ही होता है।
तो आप पहला उदाहरण देख रहे हैं कि अन्य धन अभाव, दोनों में अ है, न में भी अ है और अ में भी शुरू में अ है, दोनों मिलके आ हो गया है, तो हो गया है अन्ना भाव। स्यु धन आलय, तो पहले स्यु में अ है और आलय में आ से शुरू हुआ है, मतलब कि अ के बाद आ आया है, तो हो गया है आ, ऐसे हो गया शिवालय। इसी तरह विद्याधन अर्थी, मतलब कि विद्यार्थी, विद्याधन आलय मतलब विद्यालय, गिरिधन इंद्र गिरिंद्र, गिरिधन ईश गिरीश, महीधन इंद्र महेंद्र, नदीधन ईश नदीश। ये इसी तरह देखिए ई वाला भी कवर किया है इसमें, और इसके साथ साथ आप ऊ वाले के बारे में हम आपको बता दें, कोई भी रहेगा तो इसमें हमेशा बड़ा ऊ हो जाता है, जैसे कि भानु दय और स्वयंभृगु और पितृण, ये री वाला है, पित्र ना? रेड हो गया पितृण। तो यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं ये जो भी है ये सब परीक्षाओं में आया गया है, आप अगर प्रैक्टिस सेट देते होंगे तो आपको पता होगा कि कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में आ भी सकता है, तो इसके लिए आप नीचे वाले सेक्शन में देख पाएंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण संधि दीर्घ संधि। पहला उदाहरण है कि युग धन अंतर बराबर हो गया है युगांतर, और ये दूसरा है जन धन अर्धन जनार्दन, रवि धन इंद्र रविंद्र और सती धनी सतीश। देखिए क्वेश्चन वहाँ पे बहुत उलझाव भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे देगा कि सती धन इस बराबर सतीश होता है, आपको अब लिखना है कि सतीश कैसे होगा, चार ऑप्शन ऐसे दे देगा, सतीश हो गया सतीश हो गया सतीश हो गया और सतीश हो गया। अब सभी तो सतीश ही है लेकिन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको बस ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे इसके मंत्रा का भी ध्यान देना है, कौन सी मंत्रा हो रही है और इसमें कौन कौन से वर्ण लगे हैं, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं आप इन सबको अच्छे से देख लेंगे, आप इस वीडियो को रोक के देख सकते हैं अगर आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं, तब इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और इसके अगले पार्ट हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगला है गुण स्वर संधि, दूसरा दूसरा होता है गुण स्वर संधि। इसमें नियम ये होता है कि अ या आ, देखिए अ या आ के बाद, मतलब कि आगे तो यही रहेगा अ या आ, इसके बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो क्या हो जाता है ए, अगर इसके बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हो जाता है ओ, अगर इसके बाद इसी के बाद री आता है तो हो जाता है और। तो गुण संधि में बस यही है, और या आ के बाद अगर ई या फिर बड़ी आएगा तो ए, ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ, री आएगा तो और होगा। तो इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण है देव धन इंद्र, ठीक। अब देव धन इंद्र पहला उदाहरण हो गया, तो इसमें देखिए देव में क्या है, यहाँ पे व में, यहाँ पे लास्ट में अ है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं इसे, देव लास्ट में अ है और यहाँ पे क्या है ई है, तो अ और ई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाता है ए हो जाता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा देवेंद्र, ठीक। ये क्विक रिवीजन है, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देव धन ईश, ये हो जाता है देवेश, ठीक। अब एक ओ वाला उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि गंगा धन उर्मी हो जाएगा, जैसे कि आ के बाद जब ऊ आता है तो क्या हो जाता है ओ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ओ हो जाता है, ये जगह गंगोर्मी। देखिए आपको यहाँ से संधि से क्वेश्चन कहाँ से फंसाएंगे आपको, यहाँ पे जो गंगोर्मी लिखा है यहीं से आपको क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ पे जो छोटाऊ का मंत्रा है लास्ट में, यहाँ पे छोटी का मंत्रा है, ये वहाँ पे बड़ी का भी दे देगा, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि बड़ी का मात्रा होता है या फिर छोटी का मात्रा होता है। इसी तरह है देवर्षि, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं देवर्षि, महर्षि, महाधन, ऋषि,
अब देख लेते हैं कुछ ऐसे संधि के बारे में गूढ़ संधि से जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे उनका लिस्ट नीचे है। पुष्प धनेन्द्र, पुष्पेंद्र, स्वधनिच्छा, स्वेच्छा, कमला धनिष, कमलेश, विवाधन उत्सव, विवाह उत्सव, नीलधन उत्पल, नीलोपतल, महाधन उर्ग, महोर्ग, सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि, राजाधन ऋषि, राजऋषि। तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं ताकि आपके परीक्षा में जाने से पहले आप इसे तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में ये नियम होता है कि अ या आ के बाद, जैसे अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर ए आता है तो हमेशा वृद्धि हो जाता है, मतलब बड़ा वाला हो जाएगा। और इसी के बाद ओ या ओ आता है तो हमेशा बड़ा हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी। बस आपने देखा कि गुण संधि में ओ के बाद ई ऊ री ली आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि में ओ या आ के बाद ए आए ओ आओ, ए आए आएगा तो आए, ओ आओ आएगा तो ओ होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और ये उदाहरण तो कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। एक धन एक बराबर है एकाएक। देखिए ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि एक धन एक जोड़ के क्या होता है। अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि एकाएक का संधि विच्छेद बताइए, या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि एकाएक में कौन सी संधि है। अगर इसको थोड़ा टफ बनाना हुआ तो संधि विच्छेद पूछेगा, थोड़ा आसान बनाना हुआ तो संधि का नाम पूछेगा। तो इसको विच्छेद करना भी इतना आसान नहीं होता है अगर आप इसे अच्छे से पढ़े नहीं हैं या फिर याद नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है। अब आपको वृद्धि संधि में बताया गया है कि अ और ए जुड़ते हैं तो क्या होता है, आय हो जाता है, मतलब एक और इस पे आय की मात्रा और क एकाएक। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदाधन एव, सदाधन एव, और इसी तरह महाधन औषधि, परम धन ओजस्वी, और नवधन ऐश्वर्य, नवैश्राय। यहाँ पे हमने ट्रिक के लिए यहाँ पे आपको अच्छे से लिख दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेंगे। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण संधि आपके लिए लाए हैं वृद्धि संधि से जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर अपने नोट में नोट कर लेंगे अगर आप तक नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकी पूरी लिस्ट लगी है, और यहाँ पे लोक धन ऐसा, लोक ऐसा, तथा धन एव, तथा वो देवधन, औदार्य, देवोदार्य, महाधन, ओजस्वी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है और नंबर 4, यण स्वर संधि, ये है नंबर 4। तो यहाँ पे ये होता है यण स्वर संधि में कि ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब कि ये नहीं आना चाहिए, ये सेम नहीं आना चाहिए, इसके बाद ओ आ सकता है, ऊ आ सकता है, जैसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये नहीं, सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। जैसे ई और ई के बाद अगर ओ आता है तो हो जाता है य, वैसे आप खुद करके देख सकते हैं, य ई के बाद ओ का उच्चारण करिए य हो जाता है। अगर अगर इसी तरह ऊ और बड़ाओं के बाद कोई भी असमान स्वर मान लीजिए कि अ आता है तो व हो जाता है, और अगर इसी तरह री के बाद अ आता है तो ये र हो जाता है। ठीक, उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यद्यपि, और ये उदाहरण बेहतरीन इसलिए हम कह रहे हैं कि परीक्षाओं में पूछा गया है, यद्यपि हो गया। देखिए यहाँ पे छोटी ई का मंत्रा है इसमें और यहाँ पे अ है, तो छोटी ई और प्लस अ क्या हो जाएगा, य। उसी तरह आप कुछ खास उदाहरण यहाँ हम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे गुरु धन औदर्य, गुरुदर, मधुधनालय, मधुआलय, अति धनुष्म, अति उष्म, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। तो यहाँ पे दो तीन है उसको आप बेहद महत्वपूर्ण में ट्रिक कर लेंगे। एक पहला है यदि धन अपि, और ये गुरु धन ओधन, पित्त धन आदेश,
और ये जो नीचे हम लिखे हैं महत्वपूर्ण या संधि, इनको आप सबको नोट कर लेंगे। इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो आज की अंतिम संधि है अयादि स्वर संधि। तो इसके लिए नियम ये होता है कि ए आए या फिर ओ या फिर ओ, अब इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, जैसे कि अ के बाद अ आ गया, तो इसका हो जाएगा अय। इसके बाद अगर अ आ गया तो हो जाएगा आय। इसके बाद अगर अ आ गया तो अव। इसके बाद अगर अ आ गया तो आव, ये हो जाता है। तो इसमें कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन वाला, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसी तरह नायक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नायक लिखा गया है, नायदन अक नायक, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें अय का मंत्र है और आ है, तो अय के बाद अ आता है तो आय हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक में देख पा रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम यहाँ कवर किए हैं नीचे उदाहरण के रूप में, आप इन्हें अपने नोट में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो पूरा ही करिए। इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।